हरहर महादेव जय महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी मौसेरी ननद के सबसे छोटे बेटे का तिलक समारोह। तो मैं यहाँ पर अपने सासू माँ और अपनी बेटी के साथ आई हुई हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी सासू माँ बहुत देर से बैठे बैठे थक चुकी है और वो जमाई ले रही है। और ये है हमारे रिश्ते में बहू, जो कि वो भी उनको कंपनी दे रही है। तो देखिए, चला जाए उनका तिलक समारोह देखने। तो देखिए, यहाँ पर इन छोटे वाले भगना जी का तिलक चढ़ रहा है। अभी वो लोग सब लड़की वाले आए हुए हैं, तिलक चढ़ा रहे हैं। और वहाँ बगल में हमारे जीजा जी धन भट्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी तैयारी करवा रहे हैं सब। हम बिहारियों में रिवाज है कि तिलक के दिन धन भट्टी होता है, तो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों अपने अपने तरफ का धान लेकर आते हैं और गमछा बिछा दिया जाता है, दोनों का गमछा बिछाया हुआ रहता है। तो लड़की वाले के गमछे में धान देते हैं, लड़के वाले लड़की वाले के गमछे में धान देते हैं। इस तरह से 5 बार ये कार्य संपन्न होता है, और उसके बाद दोनों संधि एक दूसरे से गले मिलते हैं। और यहाँ जितने भी सब बैठे हो, सब हमारे जीजा जी लगते रिश्ते में है, तो पापा की उम्र के लेकिन जीजा जी लगते। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ धनभट्टी का कार्यक्रम होने के बाद दोनों संधि एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मालार्पण कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो यहाँ हुआ धनभट्टी का कार्यक्रम पूरा। तो वक्त हो चला है अब खाने पीने का, तो हम लोग भी पहुंच गए खाने के लिए नेतापुरी। तो खाना पीना कंप्लीट करके अब हम लोग को घर जाने की बारी आ गई। तो हम लोग अब घर जाने के लिए तैयार हो गए, आ गए सबसे मिलने के लिए। और फिर उसके बाद आ गए हैं। अब यहाँ दूसरे दिन का है, यानी कि मड़वा का हल्दी मटको, हल्दी कलसा, जिसको हम लोग हल्दी कलसा बोलते हैं बिहारी में। तो ये सब हमारी ननद ही लगेंगी, क्योंकि हमारी जो दीदी थी उनकी सब देवरानी है ये लोग, गोतिया पटीदार की चचेरी उचेरी। तो यहाँ ऊपर में हम लोग आ गए हैं, सब कोई सब बैठे तो हुए हैं। ये है मेरी मंडप के दिन, हल्दी कलसा के दिन का है ये सीन। देखिए यहाँ पर सब आए हुए हैं। मेरी सासू माँ ढोलक बजाने में एकदम बिजी हो गई है। बिहारियों में शादी जब तक गीत से शुरू ना हो तब तक संपन्न ही नहीं होता। हर रीति रिवाज का गीत गाया जाता है, हर रीति रिवाज में जो जो होता है सबका गीत गाया जाता है। यही तो सबसे अलग बनाता है हम बिहारियों शादी विवाह का कार्यक्रम। अब तो ये सब बहुत कम हो गया है,
लोग बाहर से हायर करने लगे हैं गीत गाने वालों को। नहीं तो पहले घर की दादी नानी मौसी चाची यही लोग गीत गाए, पर अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है ये दीदी है तो गीत गा रही है। तो यहाँ पर नियम होता है कि मंडप में कलसी रखा जाता है, जिसकी मिट्टी का कलसी, जिसके अंदर 5 सुहागन जेंट्स यानी कि शादीशुदा जेंट्स उसमें पानी डालते हैं, पानी भरते हैं, और वही चौठारी के दिन यानी कि मंडप मड़वा के चौथे दिन चौठारी होता है, दुल्हन आ जाती है शादी के बाद, तो उसी कलसी के पानी से नहाती है। यहाँ वही नियम संपन्न किया जा रहा है। और यहाँ पर मंडप के चारों तरफ किसी की बुरी नजर नहीं लगती। हमारी दीदी की ननद की जो सबसे बड़ी बहू है वो खरीदारी कर रही है। और यहाँ पर हमारे जीजस भी आ चुके हैं अपने बेटे को हल्दी चढ़ाने के लिए। यहाँ बारी बारी से सब कोई हल्दी चढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ अपने भगना जी को हल्दी चढ़ाने के लिए। तो हल्दी का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। शादी ब्याह ही एक ऐसा समय होता है जो परिवार को एकजुट कर देता है। जिन रिश्तेदारों से हम लोग सालों साल तक नहीं मिल पाते हैं, तो शादी ब्याह ही एक ऐसा मौका है जिसमें हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। और देर और यहाँ मड़वा में ही खीर दाल पूड़ी खाया जाता है। 5 सुहागन बैठकर मड़वा पूजाई होता है। सबसे प्यारे जी है जी। पहला दामाद हो रहे। हाँ, मेरी माँ के पहले दामाद है ये। है मेरे वन ऑफ द बेस्ट जीजा जी।
इनके बारे में कुछ कुछ जितना बोलो उतना कम है। ये अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बखूबी निभाते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक तो लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।